पतंग उड़ाने से जुड़े त्योहार मकर संक्रांति से पहले मुंबई पुलिस ने मांजा और नायलॉन की पतंग की डोरियों के इस्तेमाल, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि ये मांजे शीशे के पाउडर से बने होते हैं और इनसे मनुष्यों और पक्षियों दोनों को ही खतरा होता है। एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि यह आदेश 12 जनवरी से 10 फरवरी तक प्रभावी रहेगा और उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक धागे का इस्तेमाल पतंग की डोर के रूप में दुर्घटनाओं, वन्य जीवों को चोट, कभी कभी जीवन की हानि और पर्यावरण को होने वाले नुकसान का कारण बनता है। यह उन पक्षियों की रक्षा के लिए वांछनीय है जो विलुप्त हो रहे हैं और दुर्लभ लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत हैं। चाइनीज मांजों को बनाने में 5 तरह के केमिकल और कई तरह की धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। चाइनीज मांजे में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेड का भी उपयोग होता है। यह सभी चीजों को मिलाकर एक ऐसा तेज धार वाला चाइनीज मांजा बनाकर तैयार किया जाता है जिससे कोई नहीं काट सकता। साथ ही बाजारों में इसकी बिक्री भी बहुत अधिक होती है। यह मानसून के दौरान भी खराब नहीं होता है। मेटल युक्त इस मांजे से करंट लगने का भी खतरा होता है। राजधानी दिल्ली में 2017 से ही चाइनीज मांजे को बैन कर दिया गया है। चोरी छिपे इसकी बिक्री को रोकने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट, दिल्ली पुलिस और सिविक एजेंसियों के अधिकारी, चेयरमैन, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मेंबर, सेक्रेटरी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। पेटा और एनजीटी की टीमें अक्सर छापेमारी करती हैं, बावजूद इसके ये बेचा जाता है। दिल्ली पुलिस अक्सर लोगों को जागरूक करती है और दुकानदारों पर रेड भी करती है। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 67 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।